फतेहपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में खंड स्त्री अंडर 19 खेलों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय विधायक भवानी सिंह ने झंडा फहराकर कार्यक्रम को शुरू किया, जिसमें 19 स्कूलों के 242 छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर स्थानीय स्कूल की प्रधानाचार्य कमलेश कुमारी ने स्थानीय विधायक द्वारा स्कूल के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा की, साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों को भी धन्यवाद किया जिन्होंने स्कूल की प्रगति के लिए सहयोग दिया। वही स्थानीय विधायक भवानी सिंह ने बताया कि इलाके में आई बाढ़ के कारण हुए हानि के चलते उन दुखी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए स्कूल को सांस्कृतिक कार्यक्रम ना करवाने का आग्रह। उन्होंने कहा कि बच्चे नशे से दूर रहें, खेलों की ओर बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया। और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। तो आप जो आज ये फंक्शन देख रहे हैं, इसमें कुछ हमको कटौती करनी पड़ी, और कटौती इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि हमारे कुछ गांव आज भी जलमग्न हैं, और उनके साथ सॉलिडैरिटी दिखाने के लिए हम जो भी ज़रूरी है सिर्फ वही करेंगे, और बाकी सारों को अगले फंक्शंस में अगली बार जो है जिन जिनों ने तैयारी के लिए की थी और आज यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, उसका कारण मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब भी ये दोबारा मौका मिलेगा हम आपको ज़रूर उसका आपकी टैलेंट दिखाने का आपको जो है एक मौका ज़रूर देंगे। अब रही आखिरी बात, वो आखिरी बात है स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स में अगर आप देखिए कि दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो स्पोर्ट्स है और दूसरा ये स्पोर्ट्स जो है ये विमेन कैटेगरी की स्पोर्ट्स है या लड़कियों की स्पोर्ट्स है। तो इन दोनों चीज़ों पर अगर आप देखिए कि किसी भी नेशन ने, किसी भी देश ने, किसी भी प्रदेश ने, किसी भी गांव ने अगर उन्नति करनी है, अगर तरक्की करनी है, तो ये तरक्की तभी पॉसिबल है जब 50% आबादी हमारी जो कि महिलाओं की है वो आगे बढ़ चढ़कर समाज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, वो आगे बढ़ चढ़कर अपने आप को एजुकेट करेंगे, बढ़ चढ़कर हर फील्ड में, जिसमें ना केवल स्पोर्ट्स बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स से लेके हर जो स्फेयर है उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, नेशन या हमारा देश जो है ये प्रगति तभी कर सकता है। और आज मुझे देख के बहुत मतलब एकदम अत्यंत खुशी हो रही है कि जिस भारी मात्रा में आप सब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे एक ही इंडिकेशन मिलती है कि हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, और हमारी पार्टिसिपेशन स्पेशली हिमाचल प्रदेश के अंदर, हमारे फतेहपुर के अंदर, हमारे अपने गांव के अंदर जो महिलाओं की पार्टिसिपेशन है या लेडीज़ की पार्टिसिपेशन है, ये हर फील्ड में बढ़ रही है, और इसके लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहूँगा, और आगे जो भी पॉसिबल होगा आपको प्रोत्साहित करने के लिए उसको करने की हम कोशिश करेंगे। दूसरी फील्ड आ जाती है हमारी स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स की फील्ड में अगर आप देखिए कि हर व्यक्ति आपको यही बोलता है कि मतलब ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, तो मैं वही बोलूँगा कि ये जो हमारे शब्द हैं जिनमें हमने एक जेंडर स्पेसिफिक इनको ये रखा हुआ था, इसको हटाने की जो है आज एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और मतलब आप लिंग भेद की जब अब आप बात करते हैं, उसमें मैं यही बोलूँगा कि आज कैपेबिलिटी के हिसाब से स्पोर्ट्स की फील्ड में जो हमारी महिलाएँ हैं, जो हमारी लेडीज़ हैं, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और आप एक स्टीरियोटाइप को तोड़कर आप एक फोरफ्रंट पे आगे आ रहे हैं, और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही करते हैं कि स्पोर्ट्स में प्रोत्साहन हम लोगों को दें। पिछले साल हमने 4 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करी थी, एक हमने वॉलीबॉल की टूर्नामेंट करी थी, एक हमने अपनी क्रिकेट टूर्नामेंट की थी, और यहीं पर इसी ग्राउंड में हमने कबड्डी टूर्नामेंट की थी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में, बड़ा हाईली सक्सेसफुल टूर्नामेंट रही है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस साल हम एक सिर्फ ऑल वुमेन्स टूर्नामेंट किसी भी एक स्पोर्ट में करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक ओपन कैटेगरी की टूर्नामेंट होगी, और 31 मार्च से पहले एक टूर्नामेंट, ऑल वुमेन्स टूर्नामेंट, जो भी स्पोर्ट आप बोलेंगे हम एक ऑनलाइन पोल करेंगे, इसमें 3-4 स्पोर्ट्स का कैटेगरी आप उसमें दे देंगे, जिसमें भी हमको मैक्सिमम वोटिंग मिलेगी उसकी टूर्नामेंट जो है वो अपनी तरफ से हम ऑर्गेनाइज करके आपको मतलब एक एक मौका जरूर देंगे अपना टैलेंट को डिस्प्ले करने का। इसी के साथ